सोमवार को नागदा स्थित स्नेह कुंज में लियासी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ, वहीं नागदा कार्यकारिणी के चुनाव भी संपन्न हुए। आप निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनका स्वागत करें भाई महेंद्र सुद्दी जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे कोषाध्यक्ष जी का स्वागत करें महेंद्र भैया, मनोहर भैया का। अनुरोध करूंगा हमारे एक और सहायक निर्वाचन अधिकारी, आप स्वागत भी करिए। आप सभी लोगों का आभार मूल में बोलना चाहता हूं कि आप लगता है कि तीनों एक जैसी जर्सी पहन के आए थे। अभी करता हूं की तरफ से मैं एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहता हूं। तो हम इस सत्र का आह्वान करेंगे, इसके पहले आप अपने हृदय के होकर यह व्यक्त कर सकते हैं। का दिन है क्योंकि इंदौर डिविजनल ने हमें अवसर दिया है नागदा शाखा में इंदौर डिविजनल का प्रोग्राम आयोजित करने का। निश्चित ही नागदा शाखा इसका हेतु आभारी है। मित्रों, अभी आपने देखा प्रथम सेशन में हमारे नागदा शाखा के तीन नव निर्वाचित अध्यक्ष सचिव एवं को संगठन के लिए लड़ रहे हैं, जो लड़ रहा है उन्हें अगर संगठन के लिए लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल भी नहीं सकते तो जो लड़ रहे हैं और लिख रहे हैं उनको अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष से आशा करता हूं कि संगठन का काम तेरे दिन से करेंगे और नागदा शाखा पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुए जिसमें आने वाले वर्ष हमारे नागदा ब्रांच के लिए पूरा जिनके लिए इनके द्वारा प्रचलित हो ताकि ये पूरा नाम हमारा नागदा का रोशन करे। धन्यवाद, जय भारत। मैं विजय मतदार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आनंद कर जाता सचिव प्रमोद जी चौहान साहब, मेरा कहना है सभी स्वस्थ मस्त और हंसमुख रहे। जितने आप हंसमुख रहेंगे आपका सामने वाला प्रतिनिधि आपसे बहुत प्रभावित होगा और आपके काम में कई अड़चन आई नहीं सकती। इसलिए सभी स्वस्थ और मस्त रहे और हंसमुख रहे। कार्यकारी आज जो चुनाव है निर्वोर, ये बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष सचिव बहुत बहुत बधाई और आदरणीय प्रभुजी शर्मा जी के लिए को सबको कहूँगा कि प्रभुजी शर्मा प्रेम के अनंत सागर हैं और हम सब उस सागर से निकले प्रेम के गुण प्रेम संपूर्ण सृष्टि का सार उसके अस्तित्व का आधार है। इसलिए इस दिशा में किया गया कार्य बिना प्रेम के संपन्न नहीं होता और हम सब यहाँ प्रेम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं तो जब भी देखता हूँ तो ऐसे लगता है मेरे को लॉपर शो का कोई लॉपर शो में काम करने वाले उमेश पांडे जी। जब भी अभी मंत्री जब अभी अपने गाँव निर्वाचन अध्यक्ष और सचिव चल रहे थे माला निकाली, बोले निकाले मत मेरे को बिना ने लोग सचिव मेरे को समझ जाएंगे। तो पानी देखो मैं भी क्रमांक को एक क्रमांक दो बढ़ गया। तो गांधी जी वास्तव में मतलब पिछली बार एक कार्यक्रम हुआ था नागदा में, संचालन किया, संचालन में जान डाल दी और वास्तविकता है कि कार्यक्रम का संचालन बहुत
दिन है कि आज छत्तीसगढ़ के लिए विजय मंदिर को मैं स्वागत करता हूँ, प्रमोद जी चौहान साहब सचिव होने के लिए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई मनोराज शर्मा के कोषाध्यक्ष के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही ये पद बड़ा विचित्र है, इस पत्र ने बहुत कुछ सिखाया है और डीआरपी के जो कार्यकाल जो मैंने 5 वर्ष पूर्ण किए हैं, इन 5 वर्ष में मेरे किसी दोस्त को मैंने कुछ गलत कहा हो मेरे कार्यकाल में और मेरे से जो गलती हुई, तो इस मंच के माध्यम से मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। और धन्यवाद श्री गांधी सम्मानित मंच और श्री बहुत ही अच्छा आज माहौल है, पूरा नागा और युवा मंडल शासन की जो परंपरा है मैं हृदय की गहराइयों से नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सचिव श्री प्रमोद चौहान जी को ऐसा शुभकामनाएं बधाइयां और भाई मनोहर लाल शर्मा जी को कोषाध्यक्ष जी को सत्र समापन की ओर है तो बातें तो बहुत सारी हैं, बातें होती रहेंगी, अगला सेशन भी तुरंत चालू होने वाला है। मैं आप सब लोगों का बाहर से जो लोग आए हैं हमारे साथीगण और हमारे मातृशक्ति सबको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। मैं सर्वप्रथम नागदानगर नागदानी के अध्यक्ष डॉक्टर मजूमदार जी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ और सचिव पद के लिए मेरे साथी से कार्यवाही का निर्वाही निर्वाह करूँ। भारत माता की लियासी जिंदाबाद के मुख से आवाज आना चाहिए ताकि लगे आसपास वालों को कि यहाँ कोई लियासी का कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद मंच पर पधारे बैठे हुए मेरे को जो आज बाहर दिया है उसके ऊपर मैं पूरी तरह से संगठन लियापी में जिस तरह से आपने मेरे को सदस्य के रूप में चयन करा था, सह सचिव और आज सचिव का पद भाई साहब ने दिया है, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस पद को निर्माण करूंगा। जय हिंद, जय लियापी। यह बहुत गर्व की बात है कि आज यहाँ नागदा में जहाँ मंडल काउंसिल का चुनाव मंडल काउंसिल की मीटिंग हो रही है यहाँ पर हमारे नागदा लियापी का आज चुनाव हुआ एवं हम सब एकत्र हुए। आज का दिन क्रिसमस डे और भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का जन्मदिन भी है, यह हम सारी चीजें हम लोगों को और भी आगे बढ़ाती है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर जो संजय व्यास जी ने 5 साल का हमारा जो कार्यकाल चलाया और बहुत ही शानदार तरीके से चलाया, मैं उनका पूरा अनुभव का लाभ लेते हुए आप सभी ने जो उस पर विश्वास व्यक्त करा है उसमें खड़ा उतरने का पूरी कोशिश करूंगा एवं कभी भी कोई भी आवश्यकता लगी चाहे मैं कहीं पर हूँ क्योंकि मैं रतलाम जिले के गाँव तक भी दौरे करता हूँ, मेरे जो पशु चिकित्सा का काम है मेरा मैं उसके मध्य से भी मैं समय परमाणी मंच और सम्मान्य सदन मातृशक्ति आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बहुत ही सुंदर सुखद वातावरण में नागदा शाखा के चुनाव संपन्न हुए। वे तीनों हमारे चुनाव अधिकारी भाई मधुत महेंद्र दसोमी जी, राजेंद्र भाटे जी, अशोक पाल जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नई कार्यकारिणी जो मिलता है प्यार और समर्पण से मिलता है और आज इन तीनों साथियों का जो चयन हुआ है, आज विजय मजूमदार जी कब से काम कर रहे हैं, लगभग विजय मजूमदार जी को यदि मैं 20 साल पुराना भी कोई फोल्डर निकालूंगा तो उसको विजय मजूमदार जी का नाम है। पद मिलने के बाद पद के साथ न्याय करना और अपने आप को साबित करना। मैं बहुत कम बोलूंगा, आपको बाद में बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि टोल बोल के बोलू, कोशिश क्योंकि मंच पर आदरणीय मंत्री मौजूद हैं, आदरणीय विधायक
पंडित जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक राणावत जी मौजूद हैं। निश्चित रूप से हमसे कुछ गलतियां आज हुई हैं। आप ये देखिए क्या संयोग था कि इधर हम इंतजार कर रहे थे, उधर मंत्री जी इंतजार कर रहे थे और वो कम्युनिकेशन गैप पूरा नहीं हो पा रहा था। मंत्री जी आना चाह रहे थे, हम बुलाना चाह रहे थे और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि बीच में दोनों ही एक दूसरी जगह बैठे रहे और ये कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ, नहीं तो इसका आनंद और भी आता। बस ये कहते हुए कि मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, क्यों प्रकाश जी कह रहे थे, भाई शरद जी कह रहे थे कि मेहरबानी आपकी और हमको बुलाया आपने और हम तो इस काबिल न थे, हमको बनाया। अगर आपने बनाया तो हम आए, निश्चित रूप से कुछ कहेंगे भी, लेकिन सबसे पहले तो आज मेरा मन भाई प्रफुल्ल भाई की इस आयोजन में प्रफुल्लित हो रहा है कि आज हमको पता ही नहीं था कि अभिकर्ता जगत के पास में एक ऐसा अनमोल रतन है, ऐसा एक संरक्षक है कि आदरणीय थावरचंद गहलोत माननीय केंद्रीय मंत्री जी, जिन्हें प्यार से सब बड़ा भाई कहते हैं। तो मित्रों, आज इस लियाफी के बेशक इसकी इंदौर मंडल का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें वो काम है तो इंश्योरेंस सेलिंग है। दुनिया में बड़े से बड़े रिक्शमैन बने हैं तो इंश्योरेंस सेलिंग से बने हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अगर कोई सबसे बड़ा सामाजिक सरोकारों से ताने बाने से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो इंश्योरेंस सेलिंग है। वी शुड प्राउड अपॉन आवर दिस प्रोफेशन मित्रों, और हमें खुशी इस बात की हो रही है, अपने ऊपर सरकार को खुशी हमसे होती है कि नहीं होती है वो आपका काम है माननीय कि हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का अगर कोई सच्चा ध्वजवाहक है तो ये भारतीय जीवन कल्याण पॉलिसी धारकों से आप देख लीजिए, अपनी रिपोर्ट उठा लीजिए, सरकार का ऐसा कोई भी विभाग नहीं होगा जनकल्याणकारी जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लगाया गया पैसा उन कल्याणकारी योजनाओं में न लगा हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो जल संस्थाओं में उस मत से संबंधित लोगों को आप प्रतिनिधित्व देते हैं, चाहे रेल कमेटी हो, टेलीफोन कमेटी हो, फाइनेंस कमेटी हो, सेल्स कमेटी हो, इनकम टैक्स कमेटी हो, तो हमारी इंश्योरेंस की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है IRDA, वी शुड गेट अवर रिप्रेजेंटेशन दिया, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जिससे हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ी जाए और वो हमारे लियाकी के रिकमेंडेशन पर हो। और दूसरा, अगर हमारे पॉलिसी धारकों के लिए बोनस में बढ़ोतरी, हमें पेंशन का प्रोविजन, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शिथिलता आती जाती है, रिन्यूअल कमीशन कम होता जाता है, फर्स्ट ईयर कम होता चला जाता है, जीवन अनिश्चित सा होता चला जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहती है, तो हमको एक पेंशन की व्यवस्था हो, हमारे PF की व्यवस्था हो और सिक्योरिटी हो। मैं तमाम जो आपके प्रश्न होंगे उनका उसके बाद में आपके साथ माननीय मंत्री जी के बाद में जो है सेशन जारी रहेगा। मैं रात को ट्रेन है 11:30 तक, जब तक क्षमता हो आपके साथ में रहूंगा, आदान प्रदान होता रहेगा। एक बार पूरी लियाफी की ओर से माननीय मंत्री जी को, उनके साथ आए हुए हमारे विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को धन्यवाद देते हुए और मैं स्वयं आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए अपने बड़े भाई लियाफी के बड़े भाई आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए उनसे अपील करता हूं कि धन्यवाद।
रणवीर कुमार और मैं एक्चुअली 20 साल मैंने ग्रेसिव में नौकरी भी करी तो मुझे लगा कि ये जैसे गेट के आम सभा हो गई एक चीज आपको रणवीर भाई ये बताऊं मैं आपको हमारे यहाँ कहावत है कि जब मामा का घर और माँ परोसने वाली हो तो कोई कमी नहीं आती है इसे आप ये मान के चलो कि आपकी बनाई हुई सरकार है आपकी सरकार है और जिसे देर हो सकती अंधेर नहीं होगा और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जो आपका डिमांड और पढ़ा है बोला मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय थावर चंद जी गहलोत जी के मार्गदर्शन में हम उसमें जरूर सफलता प्राप्त करेंगे संपूर्ण क्षेत्र से यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्षेत्र का जनसेवक हूं आपके आशीर्वाद से हूं और इसलिए संपूर्ण क्षेत्र से आप अधर में आपका स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे शहर में आप पधारे हैं और इसलिए अगर आप पधारे हो तो ये निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है और मैंने कहा था कि मुझे कई बार ये लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं लेकिन शानदार खूब अच्छा बोल गया अभी माननीय गहलोत जी को हमने सुना दो तीन कार्यक्रम हमारे खूब टाइट स्टूडेंट है खूब टाइट स्टूडेंट इसलिए फिर कभी जीवन में आपके साथ बात करने का अवसर होगा तो निश्चित रूप से करूंगा लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस स्थान पर आज खड़ा हूं उसमें आपकी महत्वपूर्ण योगदान है महत्वपूर्ण योगदान क्योंकि मैं लगभग 12-13 साल तक अभिकर्ता रहा हूं और मुझे पता है कि पहले तो यह ढूंढना कितना कठिन है इसको इंश्योरेंस कराना फिर धीरे से अभिकर्ता कैसे जाता है तो भैया करा ले और फिर कराने के बाद में प्रीमियम लेना तो कितना कठिन काम है ये मुझे पता है और इस कठिनाइयों से जूझने के बाद भी अगर इस मुकाम तक आपने इस लाइफ इंश्योरेंस को लेके गए तो ये आपकी मान्यता है आपकी कर्मठता है और इस कर्मठता को मैं प्रणाम करता हूं तो बाकी सब ठीक होगा ही होगा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष आदरणीय रंजीत शर्मा जी नागदा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप सिंह जी शेखावत साहब पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब मंच पर विराजमान आदरणीय तोताराम जी अन्य अतिथिगण और इस आयोजन में मुझे आमंत्रित करके आपके बीच में उपस्थित करने वाले भाई प्रफुल्ल जी शर्मा और मंचस्थ अन्य सभी अतिथिगण उपस्थित सभी बहनों भाई वैसे समय वहां हो गया कार्यक्रम कि आप भी आ जाओ भोजन करना उन्होंने कहा भाई साहब भोजन चल रहा है 15 मिनट बाद मैं बताता हूं अच्छा उसके बाद मेरा गजब बल्डर है ओम प्रकाश वो भी अभिकर्ता है वो इनसे निरंतर संपर्क करता रहा ये उनसे संपर्क करते रहे और हम 1:30 बजे तक इंतजार करते रहे कि हमको बुला हम सोच रहे थे कि बाहर से आने वाले तो सब प्रतिनिधि हो आ गए होंगे अब क्यों नहीं बुला रहे आजकल क्या हो गया अतिथि का इंतजार जनता करती है और जनता का इंतजार अतिथि करते हैं दोनों एक दूसरे का सोचते कि वो आ जाए तो फिर हम जाए वो सोचते हम वो आ जाए तो हमारे और उसी में लगभग 1 घंटा हमारा ऐसे ही गया और उसके बाद हम 2:30 बजे आ गए 2:30 बजे से प्रभु शर्मा जी ने दिल खोल करके 50-55 मिनट तक स्वागत कार्यक्रम और अब कहना चाहूंगा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी अभी करता रहा हूं और जो छोड़ा है ये भी बताना चाहता
तीन साल एजेंसी को हो रहे थे और मैं एमएलए बन गया। शायद ये एजेंसी या अभिकर्ता का दायित्व मेरे लिए शुभ फलदाय रहा कि मैं विधायक बन गया। मैंने ये महसूस किया कि अब मैं विधायक बन गया हूं, अगर एलआईसी की पॉलिसी अब मैं किसी को दूंगा तो लेने वाला भले इस बात को ना कहे परंतु कोई दूसरे कहेंगे कि विधायक पद का लाभ लेकर के बीमा करना है। मैंने सोचा कि अब इसको छोड़ना उचित होगा। मैंने जैसे तैसे मिनिमम पॉलिसी जो उस समय 12-13 की संख्या होती थी वो करके 5 साल पूरे किए, इसलिए कि कमीशन मिलता रहे। मैंने उसको पूरा किया और मुझे और खुशी हो रही कि दिलीप शेखावत जी भी आपके जीवन बीमा के अभिकर्ता रहते हुए विधायक मैं इस बात को भली बात ही जानता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की देश की अर्थव्यवस्था में, देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में, अन्य अन्य प्रकार के विकास में और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसमें वृद्धि करने की दृष्टि से अहम भूमिका है। मुझे मालूम है कि अधिकांश क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम की धनराशि का उपयोग हो रहा है और मैं ये भी जानता हूं कि ये संस्था इस प्रकार के क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार सिद्ध हुई है और आज भी ईमानदार है। और नहीं तो बहुत सारे चिट पड़ा है, कोई कोलसा आया, कोई वन वाणी आई, कोई क्या आया, किसी की कोई हत्या पते नहीं। कुछ संस्थाओं के मालिक जेलों में हैं, नाम नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहता। भारतीय सरकार का, केंद्रीय सरकार का मंत्री होने के नाते पर आपको हम सब जानते हैं, कोर्ट के लिए इतना रुपये कोर्ट में जमा कराओ तो जमानत देंगे, वो नहीं कराते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आई लूटपाट करके गई या तो सजा के, देश के प्राइवेट संस्थानों में, उद्योगों में इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, ये तो भारत का उपक्रम है। भारतीय जीवन बीमा निगम तो भारत का उपक्रम है, ऐसे दूसरे भी उपक्रम है, आयुर्वेद कॉर्पोरेशन है, निगम मंडल है, बहुत सारे। जब अन्य निगम मंडलों में भी वो सुविधा है तो इस जीवन बीमा निगम में भी ये सुविधा मिले तो अच्छी बात है। जो तीन समस्याएं वो उसमें उल्लेखित की गई है, निश्चित रूप से ये जो आपका मांग पत्र है मैं वित्त मंत्री जी के पास पहुंचाकर, चूंकि एक अभिकर्ता रहा हूं आपका आज भी, और फिर अध्यक्ष जी ने तो जोर देकर दे देते और एक कहावत बोल पहले से होते थे कि मार मार के बनाया। वैसे शायद ये बात भी ठीक है, महेंद्र जी छाजे साहब की उम्र के बाद मेरे को ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि मेरी उम्र से ज्यादा हो। मैं भी भगवान की दया से अच्छी खासी उम्र ले चुका हूं, लगता नहीं हूं तो मैं वैसे ही आपका बड़ा भाई हूं। महेंद्र जी छाजे मेरे बड़े भाई, आपकी उम्र कितनी हो गई? 7-8 साल। तो मैं निश्चित रूप से एक बड़े भाई के रूप में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपकी समस्याओं का हल करने के लिए आश्वस्ति देकर के आप नागदा में आए, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और प्रफुल्ल भाई मेरे छोटे भाई हैं, निश्चित रूप से पारिवारिक संबंध है, लंबे समय से है, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की, वो हमेशा अच्छी व्यवस्था करते हैं, भोजन वगैरह भी अच्छा कराया होगा। मैंने भी उसमें से
अरे डायबिटिक पेशेंट हूँ तो सुबह 9:30 बजे दो रोटी खाई थी और बीच में कुछ गेप हो गया, तो ऐसा लगने लगा कि शुगर 9 साइड जा रही है। तो मैंने भी कहा प्रकाश जी जैन को यार यहाँ कुछ मीठा मीठा बना वाला तो दे दिया, तो उन्होंने भी ला के दिया हलवा। तो धीरे से आपने देखा होगा पेपर एक वॉल्यूम करके हलवा तो बहुत अच्छा लगा, बाकी मेरे को इन्होंने बुलाया लेकिन तो वो भी खा के आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इस सफल आयोजन के लिए बधाई भी देता हूँ। और फिर आश्वस्त करता हूँ कि आपकी समस्याओं के साथ समस्या का निदान के लिए मैं कंधे से कंधा मिला आपके साथ खड़ा हूँ। आप सबने मुझे शांतिपूर्वक सुना,